उत्तर प्रदेश, जहां आए दिन क्राइम की ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश है या क्राइम प्रदेश। लगातार दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। अब तो टोल कर में भी सुरक्षित नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल मेरठ पौड़ी हाईवे पर मंगलवार रात टोल प्लाजा पर बोलेरो सवार शख्स से टोल मांगने पर हंगामा हो गया। युवक के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर टोल कर्मियों से न सिर्फ मारपीट की बल्कि फायरिंग भी हुई। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के मेरठ पौड़ी हाईवे का है, जहां पर भैंसा गांव स्थित टोल प्लाजा पर करीब रात 10 बजे मेरठ की ओर से बोलेरो गाड़ी पहुंची। बताया जा रहा है कि टोल को लेकर उसमें सवार लोगों का टोल कर्मियों से विवाद हो गया। उस समय तो वो लोग वहां से चले गए, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनके समर्थक आए और उन्होंने टोल कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी और टोल कर्मियों को जमकर पीटा। कई राउंड फायरिंग भी हुई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, चलिए सुनवा देते हैं आपको। सर, एक मारपीट और फायरिंग का सीसीटीवी वायरल हो रहा है, किस क्षेत्र का है, क्या है पूरा मामला? ये थाना वाना में एक भैंसा पर टोल प्लाजा है, जहाँ पर कल एक चार पहिया वाहन को टोल को कटने को लेकर के टोल कर्मी और वाहन चालक में विवाद हुआ था। बाद में वाहन चालक ने कुछ लोगों को बुला करके वहाँ पे मारपीट और तोड़फोड़ की है। इस संबंध में थाने पर समुचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और जो भी इसमें सम्मिलित है सभी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि रंजिश का आलम क्या है कि लोग वापस लौट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने के लिए। खुलेआम मारपीट हो रही है, खुलेआम फायरिंग हो रही है। इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कब तक इन पर लगाम कसेगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं, साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।